शायद नाम तो सुना होगा और आप मुझे देख रहे हैं यस फंडामेंटल पे और दुआ है कि सब ठीक ठाक रहे, खुश रहे, आबाद रहे और जो है अगर कोई भी मुश्किल है सबकी मुश्किल दूर हो जाए, कोई भी काम है, कोई भी एडवेंचर है जिंदगी में, कोई भी लाइफ के आपके गोल्स हैं वो सब आप लोग उन सबको हासिल कर सके, तमाम नेक मकासिद में खुदा आपकी मदद करें, आमीन सुमामीन। इसी खूबसूरत दुआ के साथ जो है प्रोग्राम का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आयशा आशु डॉट ऑफिशियल और हमारा न्यू गेमिंग चैनल है एमए गुरु, तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भी चलते हैं वीडियो देखने और वीडियो है कैरी मिनाटी की, न्यू वीडियो आई है और वीडियो है डॉट ऑफ बैड वर्ड्स। आई थिंक मैंने अभी तक ये वीडियो देखी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि ये वीडियो इस बारे में है कि बहुत से जो हेटर्स हैं या बहुत से दूसरे क्रिटिक्स जो हैं वो कैरी मिनाटी को आई गेस कि वो कैरी मिनाटी को बहुत ट्रोल भी करते हैं, बहुत रोस्ट भी करते हैं फॉर यूजिंग बैड वर्ड्स, स्लैंग वर्ड्स और अब्यूसिव लैंग्वेज। तो आई थिंक मस्ट बी ये जो वीडियो है ये डिफेंसिव टाइप ऑफ वीडियो होगी। सो ये सारी मेरी जो है परसेप्शन है या मेरी एक जो है गेस है, बाकी वीडियो देख के पता चलेगा और फिर उसके बाद उस पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं वरना कहते हैं बहुत बोलती है। तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात भोसड़ी वालों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की, कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। ये शब्द आकर्षक भी हैं, खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक। तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। अब तुम मानो ना मानो, गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसे समझो एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है, लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब भी हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि ये गांडू यहाँ कैसे आ गया। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। पेंचो, मैं वो गांडू नहीं हूँ, फालतू कनेक्ट मत मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। पैसों से याद आया, ये है मीवी के डुओ पॉट्स M40। साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है ही, पर बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है। अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं। ये पंख जैसे हल्के हैं, इन्हें तुम कहीं भी लेके जा सकते हो और अपना सर तुम कितना ही घुमा लो ये निकलते नहीं है। और मीवी इंडियन ब्रांड है। पीछे इफेक्ट सुन रहे हो, मैंने डाला, मैंने सही है ना, रोस्ट भी कर दिया, पैसे भी कमा लिए हैं। अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है, गालियों का मतलब बुराई होता है इसमें कोई शक नहीं है, पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है। इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है। आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में मात चोक दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया या फिर विराट बहुत अच्छा खेला? खैर, जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है। समझ में आ रहा है? लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? If you're going to do it right. With Lund. Premium style, lasting performance. तो मैं अभी भी यकीन नहीं आता, तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो। Today at SEMA, we are here with Mitch Fogel, the president and CEO of Lund. And I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. तभी मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट समझो, सालो वीडियो निकल गई। एक तो यूट्यूब है ना, ना 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 ना, वो तो मर चुका है, अब बस यूट्यूब ही बचा है जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है। मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है।
अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे. We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates these policies. Policies. पे भी कॉपीराइट आ जाएगा. इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा. गंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं. अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते. उनकी छींची थूथू हो जाती है. ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं. उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का. याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी. ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी. लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है. ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले. ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है. इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं. अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा. इनने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ. इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा. जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं. पहले पॉर्न मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है. कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है. इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं. जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है. इसके पीछे एक बहुत ही गहरा गूद अतल स्पर्शी कारण है ताकि मजा मार सके, पहले जो बकचोदी काट सके. वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके. जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो. इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है. लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है. इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है. और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है. अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं. पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ. दूसरा, आज गांड फटगी बहनचोद. दोनों के मतलब वही है पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फैटिश है तो उसमें कोई क्या करे. जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है. तुम संवेदशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो, प्रायवाची की माँ की चूत. लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ. जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चूत कह देता है. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो. भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे. चलो यार बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोट लिया. मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी. आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं. क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोत भैंचोत करते हुए फुदकते रहो? नहीं. ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा. क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? नहीं. डिस्क्लेमर क्यों नहीं पड़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है. अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो. एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए. सही बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है. और तुम्हें पता है मीवी की सेल चल रही है. अरे बस यार बस हो गया. ये डुओ पॉड्स ना मेरे फेवरेट बन चुके हैं. अगर तुम्हें भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स की जरूरत है तो mevi.in पे जाओ और फटाफट देख लो. डुओ पॉड्स और बाकियों पे 50% तक का ऑफ चल रहा है. डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हैगा. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो. वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है. बाय. मोहित, 4 वाले बैच को 5 वाले के साथ शिफ्ट कर दे. लास्ट में मुझे वो गाना सुन के ज्यादा मजा आया. वो ये गार वाला एक कहानी है जिसका म्यूजिक बहुत मस्त था. वेल कमिंग बैक टू द वीडियो, इसका क्या रिव्यू दूं? आई हैव नथिंग टू से. लाइक ऑब्वियसली जो स्टार्ट में कहा था वही है कि जो है कैरी जो है वो अपनी जो है जो लोग उनको बहुत ही ज्यादा वो करते हैं
ट्रोल करते हैं या उनके बारे में कहते हैं कि यार इतनी गालियाँ और ये वो, क्योंकि अक्सर मैं इंस्टाग्राम पे भी देखती हूँ इंडियन जो लोग हैं वो इसको कह रहे होते हैं. वेल कहीं कहीं आई थिंक इट्स गुड, वाकई सच भी है और कैरी, क्योंकि उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है और अपना एक वो नज़रिया है जिसको वो लेके उन्होंने चैनल बनाया और उसी को लेके वो आगे चल रहे हैं. तो मुझे सब बातें एक तरफ, बट मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि दिस मैन बिलीव्स इन हिमसेल्फ और जो है उसको पता है कि वो क्या कर रहा है और जो है वो गलत नहीं है. उसके शायद लफ्ज गलत होंगे, वो शायद स्लैंग होंगे, एब्यूसिव होंगे, बट वो ये नहीं चाहता कि लोग यही सीखें. या आई थिंक वो उसको पता है कि ह्यूमर है ये और जो वो ये कर रहा है वो शायद वो करता रहेगा, वो ये कहना चाह रहा है. और जो है जिसने उसका जो मतलब लेना है बोले, और उसने YouTube को भी बहुत मतलब ट्रोल किया. और मुझे इस बात के लिए कैरी की हिम्मत और वो सब चीज़ें हमेशा बहुत अच्छी लगती हैं. उसकी दाद देनी पड़ेगी कि कैरी जो कुछ कर रहे हैं लाइक ये ऐसा ही है जैसे समंदर में रह के मगरमच्छ से बैर करना, लाइक YouTube में रह के YouTube को ट्रोल करना, YouTube के बारे में मतलब जो है उनको बोलना और उनकी पॉलिसीज एंड ऑल जैसे समझ गए होंगे वो. वेल तो इट्स अमेजिंग और गुड, वेरी गुड. अब बहुत ज़्यादा ये हंसी वाली फनी नहीं थी, बट ये डिफेंसिव टाइप की वीडियो थी, बट स्टिल मज़ा आया. आई एंजॉयड एंड आई होप कि आप सब ने भी बहुत मज़ा किया होगा. और क्योंकि कैरी मिनाटी के फैंस हैं तो कैरी मिनाटी को कुछ भी करें तो बहुत लाइक करते हैं. तो इसी उम्मीद के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी रिव्यूज़, मेरे रिएक्शन और मेरी बातों से अग्री करेंगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर डिसअग्री करेंगे तो भी लाइक कर दीजिएगा. कमेंट में ज़रूर बताएगा कि क्या कैरी की बातों से और जो मेरी बातों की क्या आप उससे रिलेट करते हैं, अग्री करते हैं. आपको लगता है कि क्या वाकई ऐसा है, क्या आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या कैरी की इस वीडियो से, क्या कैरी की जो वीडियोज़ हैं उनसे क्या वाकई गाली वाला कल्चर जो है वो प्रमोट हो रहा है और बच्चा गाली निकाल रहा है, क्या इसको हमें एक लाइट हार्टेड लेना चाहिए और ऐसे लेना चाहिए कि जैसे अच्छाई और बुराई हर चीज़ में होती है. लाइक अगर हम एक मूवी देख रहे हैं उसमें रोमांस भी है, एक्शन ड्रामा सब चीज़ें हैं, तो ये हमारी सोच पे है कि हम उसमें से क्या मॉरल निकालेंगे और क्या हम उसमें से सबक सीखेंगे. तो क्या ऐसा है या वट एवर जो भी है. सो उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वीडियो को लाइक करेंगे. हमेशा की तरह अपना ढेर सारा प्यार दिखाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यस यू ऑल शेयर भी कर दीजिएगा. शेयरिंग इज केयरिंग. मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ. अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत. टाटा बाय बाय.